जिला सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की काली करतूत कुछ दिन पहले चक फकीरा क्षेत्र में सामने आई थी, जहां पर पाकिस्तान ने एक सुरंग के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को जम्मू कश्मीर में पहुंचाने का प्रयास किया था और ऐसे में अब अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तान की नजर साफ तौर पर दिख रही है। वे अपनी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है और इसी कड़ी के चलते आज इंटरनेशनल बॉर्डर के एक गांव में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, एसओजी और जिला पुलिस सांबा ने मिलकर एक तलाशी अभियान चलाया और वहां पर बॉर्डर के गांव गलाड़ चक फकीरा को पूरी तरह से खंगाला, ताकि अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता की जाए। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा से पहले इन क्षेत्रों को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियां इसी इलाके से होकर निकलती हैं। ये प्राइमरीली जो है हमारा फोकस जो है वो गांव गलाड़ पे है और चक्कीरा पे है, क्योंकि ये गांव जो है वो सीमावर्ती इलाका है और बहुत ही क्लोज है नेशनल हाईवे से। और रिसेंटली जो है वो एक टनल भी डिग आउट हुई है, जिसमें जो है प्रॉब्लम माना जा रहा है कि कुछ आदमी गतिविधियाँ जो हो सकती हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमला आज हमने जो है आर्मी, बीएसएफ और को साथ लिया है, सीआरपीएफ को साथ लिया है और आर्मी को साथ लिया है, एसओजी सांबा हमारे साथ है। तो हम लोग आज ये ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें जो है वो इन्हीं इलाकों पे फोकस किया जा रहा है जो जो तारबंदी जो है उससे जो क्लोज में पड़ते हैं, ताकि फिर से कोई ऐसी कोई टनल जो है अगर हो तो वो जल्द से जल्द जो है डिटेक्ट हो पाए और जो हमारे आने वाले इवेंट्स हैं उनको जो है वो पीसफुली जो है निभाया जाए। जैसे अमरनाथ यात्रा का जो बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, जिससे सभी यात्री जो है नेशनल हाईवे इस्तेमाल करते हैं, यहीं से जो है उनकी ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग सभी फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन के साथ जो है एटलीस्ट जो है वो जो बॉर्डर का इलाका है उसको सैनिटाइज किया जाए, लोगों को कॉन्फ्रेंस में लिया जाए और उनको ये बताया जाए कि इनकेस अगर उनको कोई सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो दिखती है रात को या कभी भी, या कोई ऐसा ही कोई टनल उनको दिखती है तो फौरन हमें सूचित करें, सो दैट उस पर जल्द से जल्द काबू किया जाए और एरिया को डोमिनेट करके उसको सुरक्षित किया जाए। ये तो एक कंटूर्स होते हैं, नदियाँ नाले जो है वो कंटूर्स होते हैं, जहाँ पे इस किस्म की जो है वो जो एनीज हैं वो वेपन ड्रॉप या असलाह मिशन जो है ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो है इन्हीं नालों और सरकंडों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्च की जाती है, ताकि इन केस अगर कोई ड्रॉपिंग भी होती है तो वो हमारे नज़र में आ जाए और उस पर जल्द से जल्द उसको